Prime Minister Modi, our dear, dear friend. We love India. We love India. I can speak on behalf of the Israelis. We love India. Uh, Thank you, Prime Minister Modi. Thank you all. तो दोस्तों देखा आपने ये है भारत और इसराइल की दोस्ती के कुछ छोटे मोटे नमूने वैसे ये दोस्ती यहीं तक सीमित नहीं है और हम सब का इंतजार खत्म होता है और नेफ्ताली बेनेट में आपको बता दूं कि अप्रैल मंथ में एकदम शुरुआत में ही इवन भारत आने वाले हैं यहां पर आप कह सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने कार्यकाल के दौरान भारत के साथ दोस्ती के जो बीज बोए थे कीन ये उसी का नतीजा है कि आज भारत और इसराइल को आम खाने के लिए मिल रहे हैं क्योंकि बीज आम के बोए गए थे अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इसी समय को भारत विजिट करने के लिए क्यों चुना गया क्योंकि इस समय आप जानते हैं कि रशिया यूक्रेन के बीच में महायुद्ध चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में भी रिसेंटली टेंशन काफी हाई हो चुकी है ऐसी परिस्थिति में यह समय क्या सही में सूटेबल था हाथ ठीक है एक एंगल से हम लोग ये कह सकते हैं कि इस समय पूरी दुनिया में ही कोविड कंट्रोल में है भारत की बात की जाए तो भारत में भी ऑलमोस्ट कोविड कंट्रोल कर लिया गया है तो यह सुटेबल समय हो सकता है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का भारत विजिट करने के लिए लेकिन दोस्तों इसके अलावा क्या क्या चीजें हो सकती है इनको लेकर जानकारी आपको दी जाएगी आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए जय हिंद जय इसराइल लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से खासकर 2021 के एकदम आखिरी आखिरी समय में और 2022 के एकदम शुरुआती शुरुआती समय में भारत और इसराइल के बीच में दोस्ती बहुत ज्यादा ही प्रगाढ़ हो गई है इवन मैं आपको बताऊं कि जब से हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसराइल के विजिट पर गए थे उसके बाद यकीन कहीं ना कहीं इस दोस्ती ने बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट ले लिया जहां पर हमने एक तरफ क्वाड टू का निर्माण किया जिसमें भारत इसराइल अमेरिका और यू जैसे देश शामिल है वहीं पर हमने टेन ईयर डिफेंस कॉपरेशन की डील भी इसराइल के साथ साइन की हमारे डी और इसराइल की डी डी के बीच में एक समझौता साइन हुआ है मैंने आपको बताया भी था वीडियो बनाकर कि इसके तहत इसराइल और भारत मिलकर ज्वाइंटली ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करेंगे जो कि डुअल यूज पर्पस के लिए होंगे यानी ऐसे हथियार बनाए जाएंगे जो भारत और इसराइल दोनों की ही सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इनको लेकर और ज्यादा बातचीत आगे बढ़ सकती है डेफिनेटली यहाँ पर कोई ना कोई डिफेंस डील संभव है वैसे आप जानते हैं कि इसराइल हो या फिर रशिया हो जब भी ये लोग कोई नया हथियार बनाते हैं तो ये भारत को ऑफर जरूर करते हैं इस समय भी अगर बात की जाए तो हेरन टीपी ड्रोन के बारे में इसराइल भारत को ऑफर दे सकता है या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो एंटी ड्रोन सिस्टम्स के मामले में भी कई सारे ऑफर भारत को दिए जा सकते हैं इसी के साथ साथ जो सी ब्रेकर है उसको लेकर भी कोई ना कोई डील यहां पर संभव है एटलीस्ट इसराइल की तरफ से ऑफर तो हर हाल में रखा जाएगा एंड सबसे बड़ी बात दोस्तों आयरन डोम जी हाँ मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरह की खबरें मार्केट में चल रही है कि आयरन डोम हम लोगों ने ऑलरेडी इसराइल से खरीद लिया है और उसे डिप्लॉय भी कर दिया है वैसे इसमें कितनी सच्चाई है ये मुझे नहीं पता ये सत्यता के साथ नहीं कहा जा सकता क्योंकि चाइना और भारत के बीच में जो टेंशन है वो ऑलमोस्ट हाई लेवल पर है कभी भी कुछ हो सकता है तो इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए शायद इसराइल से आयरन डोम हमने खरीद लिया है और उसे डिप्लॉय कर दिया है इस तरह की बातें चलती रहती हैं अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है लेकिन अगर नहीं है

इसराइल के लिए पहले की तरह खतरा बन जाएगा जो कि इसराइल कभी भी नहीं चाहेगा तो हो सकता है कि यहाँ पर इसराइल अपना एक गुट तैयार कर रहा हो भारत और इसराइल भारत और रशिया के साथ मिलकर ताकि अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप किया जा सके और अमेरिका को ईरान के साथ नजदीकियां बढ़ाने से कहीं ना कहीं रोका जाए क्योंकि ये मौका ईरान के लिए यकीन जबरदस्त है रशिया का ऑयल मार्केट से चले जा चुका है वो अपना इंतजार में है की कब मार्केट उसके लिए ओपन हो और वो कब अपना क्रूड ऑयल बाहर निकाले तो हो ना हो यहाँ पर इस मुद्दे को लेकर भी कोई ना कोई गुप्त रूप से बातचीत हो सकती है